नमस्कार बच्चों, पढ़ई तूनरदार के अंतर्गत आज हम विज्ञान विषय का पाठ पढ़ेंगे, पाठ 12 ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। हमको इस सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमको मिलती है भोजन से। तो अब ये तो हो गई हमारे शारीरिक कार्य के लिए ऊर्जा, पर हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि बहुत सारी जो ऊर्जाएं होती है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा उसमें ऊर्जा के विषय में हमने अपनी विगत की क्लासों में पढ़े हैं, है ना। अब हम इन सब के हमको पता है कि एक तरह की ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है ना, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है ना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में, जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे अभी गर्मी का दिन है, हमको गर्मी लगती है तो सबसे पहले हम क्या खोजते हैं? पंखा खोजते हैं। तो पंखा या एसी, जो भी चीज, ये आखिर चलती किससे? तो ये चलती है विद्युत से। तो आज हम विद्युत ऊर्जा के ही कि विद्युत ऊर्जा किस तरह से, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जल विद्युत ऊर्जा। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे बच्चों। उसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक माचिस की खाली डिब्बी और प्लास्टिक के 4 चम्मच, इसकी जगह अपन पुट्ठे भी ले सकते हैं, है ना, और एक खाली रिफिल, खाली रिफिल, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो माचिस की डिब्बी है, इसके चारों जो फलक है, इस चारों फलकों के बीच में हम क्या करेंगे, आड़े आड़े गड्ढे करेंगे, है ना। और इन आड़े गड्ढों में हम क्या करेंगे, चम्मच को फंसा देंगे। चम्मच अगर नहीं है तो हम पुट्ठे को भी इसमें फंसा सकते हैं। जब हम इस पुट्ठे को इसमें फंसाते हैं चारों तरफ में, आप देख रहे होंगे बच्चों, इसी तरह आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। और बीच में आप गड्ढा करके एक रिफिल को डाल, खाली रिफिल जो भी रहती है उसको, इस रिफिल को जब हम इसमें डाल देंगे, आप चित्र में भी देख रहे होंगे बच्चों, चित्र में आपको बकायदा दिखाया गया है कि जब हम इन फलकों में फंसे इस चम्मच पे या पुट्ठे पे पानी डाल की धार डालते हैं तो क्या होता है, यह इधर से घूम जाता है, फिर इस पे पड़ेगी पानी की धार, फिर ये घूम जाएगा। इस तरह से ये किसका काम करता है? टरबाइन का काम करता है। तो कुछ इसी तरह की प्रक्रिया हमारे किसमें की जाती है? बांधों में की जाती है। तो बांधों में क्या होता है, जहाँ पर जल को एकत्रित करके रखते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तो इन बांधों में जल को एकत्रित किया जाता है। जल को एकत्रित करके वहां पर टरबाइनें लगा दी जाती है, और उन टरबाइनों को क्या किया जाता है, एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है। वो एकत्रित जल तेजी से बहता है तो जो जल की मार्ग में लगी हुई टरबाइनें यानी इसी तरह की जो चक्री है, वो जो लगी रहती है, वो घूमने लगती है। तो इन टरबाइनों के घूमने से क्या होता है, ये जुड़ी होती है एक जनित्र से, जनित्र यानी जनरेटर से, जहाँ पर इन ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है और जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो बच्चों, जल विद्युत कैसे तैयार की जाती है? बांधों पर, जहाँ पर जल को एकत्रित किया जाता है, बहुत ऊंचा रहता है बांध, आपने देखा होगा गंगरेल बांध, जिसके कपाट खोलते हैं तो कैसे तेजी से पानी बहता है, ठीक उसी तरह से बांधों में पानी को तेजी से बहाया जाता है। और जिस स्थान से पानी बहता है वहां पे इस तरह की चक्री लगी होती, बहुत मजबूत सी चक्री लगी होती है, उस मजबूत चक्री में जब पानी बहता है और वो गोल गोल से घूमती है तो वो जनित्रों में क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन होता है हसदेव बांगो तथा गंगरेल बांध परियोजना में, इस तरह से जल से विद्युत तैयार की जाती है। तो पहले हमने क्या पढ़े, जल विद्युत। अब दूसरा बेटा बच्चों, एक है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा आपको पता होगा कि समुद्र में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है ना। तो क्या होता है, इस ज्वारीय ऊर्जा में गतिशील यानी कि जो तेजी से गति कर रहा है, रुक नहीं रहा है, गतिशील जल में जो निहित ऊर्जा है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, उसका उपयोग करके विद्युत बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। तथा अब इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, खाड़ी यानी जहाँ बहुत गहरा होता है, तो खाड़ी के मुहाने पर बांध बना दिया जाता है।
और क्या करते हैं कि जैसे ही ज्वार ज्वार आता है जब पानी ऊपर की ओर आता है ना, तो ज्वार के समय जब जल स्तर बढ़ता है तो वहां पर भी टरबाइने लगी रहती है, यानी चक्री लगी हुई रहती है। तो जल स्तर जैसे ही बढ़ता है, जल बांध के अंदर आता है, और जब तथा अंदर आने वाले मार्ग में क्या लगी हुई जो टरबाइने होती है वो घूमती है जोर से, है ना। तो जल का जब पानी अंदर आना ज्वार के समय, यानी कि बांधों पर पानी आने में वो चक्री घूमती है, टरबाइने घूमती है, उसी तरह भाटा, यानी जब वो पानी भरा हुआ है वो जा रहा है नीचे, तो उस तरह यानी उसको कहते हैं भाटा। जल का स्तर बढ़ना कहलाता है ज्वार, और जल का स्तर घटना कहलाता है भाटा। तो क्या हो रहा है, जब जल स्तर बढ़ रहा है तब भी टरबाइने घूम रही हैं, और जब जल स्तर घट रहा है यानी पानी नीचे की ओर जा रहा है वहां पर भी टरबाइने लगी हुई है, तो वो उस समय भी टरबाइने घूम रही हैं। और ये सब जो टरबाइने होती है, हमने कहा ना, जनित्र से जुड़ी होती है, जहाँ पर इस विद्युत को इकट्ठा किया जाता है। तो जिस तरह से ज्वार और भाटा के द्वारा विद्युत का निर्माण हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है ना, तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। और भारत में ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र है गुजरात में कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल में पूर्वी समुद्र का तटीय स्थान। तो इस तरह से ज्वार के समय उपयोग करते हुए, यानी कि जब समुद्र का जल बढ़ रहा है और घट रहा है, ज्वार भाटा का उपयोग करके जो विद्युत निर्माण की जाती है, बिजली उत्पादन की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वारी ऊर्जा। अब हम बच्चों आते हैं दूसरा, पवन ऊर्जा की ओर, तीसरा भाग है ना, पवन ऊर्जा। अपन देखते हैं बच्चों कि जब तेज हवा चलती है तो कागज उड़ते हैं इधर से उधर, धूल उड़ती है इधर से उधर, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस हवा का प्रयोग भी ऊर्जा निर्माण में कर सकते हैं, विद्युत निर्माण में कर सकते हैं? तो चलो इसके लिए भी एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक कागज के वर्गाकार टुकड़े की, है ना, और एक लकड़ी की और रिफिल की। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इस कागज के टुकड़ों को वर्गाकार काट लेंगे, है ना। ये वर्गाकार आपको दिख रहा होगा, इस वर्गाकार के अंदर में हम विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, समकोण के बीच की जो होती है ना उसको विकर्ण कहते हैं। तो इस तरह से एक निशान बना ली पेंसिल से, और एक इस कोने से इस कोने में एक निशान बना ली, है ना। अब क्या करेंगे, इस कोनों को हमको बीच से काटना है ना, यानी जो ये विकर्ण के जो सेंटर पॉइंट है, इससे यहाँ से यहाँ तक के बीच के हिस्से तक हमको इसको कैंची से इस तरह से काट लेंगे। इस तरह हमने चारों कोनों में काट लिया, है ना। ये चारों कोनों को काट करके अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा चिपकाने के लिए हमें एक आवश्यकता होगी, इस कोने को इस कोने से बीच में हमको चिपका देंगे। चिपका दिए, है ना। उसी तरह से अब इधर का नहीं चिपकाना है, इधर वाले को फिर से यहां तक के चिपका देना है ना। अब तीसरा कोना इधर से लेकर हमको फिर इसे यहां तक चिपका देना है ना। और उसी तरह से इस चौथे को भी हमको यहां से यहां पे चिपका देना है। चिपकाने के बाद हमें कुछ इस तरह से आपको एक चक्री मिलेगी, है ना। इस चक्री के अंदर में आप हमेशा, आप लोग ने इसका बहुत प्रयोग किया है, आप हर मेले में मिलती है ना। इसमें इसको हम बीच में रिफिल से लेकर एक लकड़ी से इसको चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, है ना। तो इस तरह से अब आप जब इसको लेकर हवा में यानी दौड़ते हैं विपरीत दिशा में, इसको अपन ऐसे रखते हैं और इस दिशा में हम दौड़ते हैं, तो क्या होता है, ये घूमने लगती है ना। तो अब इसी का प्रयोग करके हमारे वैज्ञानिकों ने हवा के द्वारा विद्युत निर्माण का कार्य किया है। तो अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह से बहती हुई हवा का प्रयोग विद्युत निर्माण में करते हैं। तो क्या होता है, जब बहती हुई ऊर्जा, बहती हुई हवा यानी बहती तेज बहती हुई हवा को हम किस तरह से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप है, हम उसको क्या कहेंगे, पवन ऊर्जा। यह एक तरह से हमारा खेल भी हो गया। तो कुछ ऐसी युक्ति का प्रयोग बहती हुई हवा का हमने ऊर्जा के रूप में किया है, जिसमें पवन ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे स्थान जहां पर हवा की यानी पवन की दिशा लगभग नियत रहती है, यानी कि रोज उस दिशा में ही हवा बहेगी, वहां पर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चरखियां लगा देते हैं, है ना, इस तरह की फिरकी, जिसको हम कहते हैं अपने विज्ञान की भाषा में विंड मिल,
और इन्हें टरबाइन भी यानी लगाई जाती है, इनके साथ में टरबाइनें लगा दी जाती है, और इनके साथ में फिर वही जनरेटर को जोड़ दिया जाता है, जनित्र को, जिसमें इस तरह की जो ऊर्जा तैयार होती है उसको एकत्रित करके रखते हैं। तो जनित्र से बिजली उत्पादन होता है, तो ऐसी जो हवा के द्वारा जो विद्युत का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। तो हमारे भारत में ये स्थान है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, समुद्र तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के द्वीप, ये पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। और क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो निश्चित दिशा में बहती है। आप चित्र में देख रखे होंगे बड़ी बड़ी चरखियां लगी हुई है। तो इससे जो यानी हवा का प्रयोग करते हुए विद्युत का निर्माण क्या कहलाता है? पवन ऊर्जा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम जब अभी तो विद्युत से ट्रेनें चलने लग गई है, पहले ट्रेनें चलती थी, कोयला डाला जाता था और वहां पर जो पानी गर्म होता था वो पानी गर्म होने, जैसे आपको सबसे अच्छा उदाहरण मैं देती हूँ कि अपने घर में जब माँ खाना बनाती है, चावल बनाती है, तो उसको ढक देती है, तो कुछ समय बाद जब चावल में उबाल आता है तो आप लोग देखते होंगे बच्चों कि ढक्कन अपने आप सरकते जाता है ना? तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसी टेक्निक का यानी इसी तरीके का प्रयोग करके भाप का इंजन बना था। भाप का ही प्रयोग करके अब यहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है। तो इसके लिए भी एक क्रियाकलाप जो अपन ने पूर्व में एक चक्री बनाई थी माचिस की डिबिया से, उसी से करेंगे। इसके लिए एक आवश्यक सामग्री है पूर्व में बनाई हुई कागज की चक्री और चाय की केतली और पानी गर्म करने के लिए स्टोव। तो क्या होता है बच्चों कि चाय की केतली में जब पानी भर के उसको गर्म कर दिया जाता है और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, आपने देखा होगा चाय की केतली का एक वो है जिससे चाय निकलती है ना, उसमें ढक्कन नहीं लगाना है। तो क्या होता है, जैसे ही पानी स्टोव के द्वारा गर्म होता है तो क्या होता है, उस टोटी में से ना भाप निकलना चालू हो जाती है, क्योंकि एकमात्र भाप निकलने के लिए जगह वो टोटी बस है। तो जब उस टोटी के सामने में हम इसको लगाते हैं, अपनी चक्री को लगाते हैं, तो क्या होता है, भाप सीधा यहाँ पड़ रही है, आप देखोगे चित्र में सीधा वहाँ भाप पड़ रही है, तो वो भाप उसको सरका दे रही है, फिर वो दूसरी आती जा रही है, तीसरी आती जा रही है। इस तरह से क्या होता है, भाप के द्वारा विद्युत का निर्माण बड़े यानी बड़े रूप में करते हैं। तो चाय की केतली में जब पानी भर के गर्म करके ढक्कन लगा देते हैं और जब टोटी से भाप निकलती है और वो चक्री को टरबाइन को घुमाती है, तो उसके द्वारा भी विद्युत का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसा ही संयंत्र हमारे कोरबा में है, जहाँ पर तापी ऊर्जा तैयार की जाती है। तो क्या होता है वहां पे छोटे मोटे गंजी में पानी गर्म नहीं होता है, वहां पर कोयले को जला करके उष्मा उत्पन्न की जाती है और बॉयलर होते हैं। बॉयलर यानी बॉयल यानी उबलना, बॉयलर जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी गर्म किया जाता है, और उस बॉयलर में जब कोयले को जलाकर उष्मा उत्पन्न करके भाप निर्माण की जाती है, तो फिर वही टर्बाइन घूमती है और उस जनित्र के उपयोग से विद्युत का उत्पादन होता है। तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं ताप विद्युत ग्रह। हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा में ताप विद्युत संयंत्र है जहां पर तापीय विद्युत तैयार की जाती है। चित्र में आप देख रहे होंगे बेटा, इस तरह से ही वहां पर भाप के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब हम आते हैं बच्चों नाभिकीय ऊर्जा। ये आगे में आप बहुत अच्छे से समझोगे जब आप थोड़े से बड़े यानी कि स्तर में बड़ी क्लास में पहुंचोगे, तब आप यूरेनियम अगर पढ़ोगे 10वीं 11वीं में, तो ये यूरेनियम आपने एक्सरे मशीन देखी होंगी है ना, जहाँ से पूरा हम लोग जब रेडिएशन के द्वारा हमारे शरीर के पूरे भाग, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जब अब क्या है, सभी ऊर्जा के स्रोत खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा एक हमारे वैज्ञानिक एक यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इससे भी ऊर्जा का निर्माण हो सकता है क्या, और इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि परमाणु यानी अणु से भी एकदम छोटा भाग, परमाणु का जो अपन पढ़े हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ परमाणु की अधिकांश ऊर्जा समाई हुई रहती है। तो जब इन परमाणु जैसे कि उदाहरण दे दिया गया है यहाँ पे यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, यानी छोटे छोटे में तोड़ा जाता है, और अधिक छोटे से भी अधिक छोटे में,
तो क्या होता है, जब उन्हें तोड़ा जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है। और इसको तोड़ने को क्या कहते हैं हम, इस जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं विखंडन। जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है। तथा जो उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि परमाणुओं को तोड़ने में, उसके नाभिक को जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके नाभिक को तोड़ करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो यह नाभिकीय ऊर्जा विशेष संयंत्रों में उत्पन्न की जाती है, बहुत, यानी कि इसके लिए तरकीबें लगाई जाती है जिन्हें नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो हमारे देश में ये स्थान है तारापुर, हमारे देश में तारापुर नाभिकीय ऊर्जा का पूर्णतः स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर, यानी किसी भी अन्य देश का इसमें कोई रोल नहीं है, पूर्णतया स्वदेशी है तारापुर का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो जहाँ पे परमाणु के नाभिक को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य चल रहा है, वो है हमारा तारापुर का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अब हम इससे आगे आते हैं बच्चों, जीवाश्म ईंधन। इसके लिए आप, हम चलते हैं कि बहुत पहले जब पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हुए तो उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी के अधिकांश भाग में तो जंगल थे और कुछ स्थान पे मनुष्य रहते थे। ये पूरे के पूरे धरती के अंदर समा गए। धरती के अंदर समाने पे क्या हुआ, उस पर मिट्टी की परत जमती गई। पेड़ जहाँ जंगल थे वो जंगल पूरे अंदर चले गए, जहाँ मनुष्य रहते थे मनुष्य अंदर चले गए। तो जो जहाँ पर जंगल अंदर में दबे वहाँ पे क्या हुआ, अंदर दबने पर धीरे धीरे मिट्टी की परत जमती गई। और पृथ्वी के अंदर में तो बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक दाब है, तो बहुत अधिक दाब तथा गर्मी के कारण क्या हो गए, ये पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयला बनने की जो प्रक्रिया है वो 1-2 वर्षों में नहीं, इसके लिए हजारों वर्ष को समय लगा। तो इस तरह से जहाँ जंगल दबे थे अंदर के अंदर पृथ्वी में समाये थे, वहां पर तो कोयले का निर्माण हुआ। और जहाँ पर मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे में दबे थे और वहीं भारी दबाव और गर्मी के कारण वो किसमें बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। अब समझ रहे ना, जहाँ की जंगल दबे थे वहां कोयला बना, और जहाँ मृत जीव दबे थे वहां पे किसका निर्माण हुआ, पेट्रोल का। तो इस तरह से जो ईंधन का निर्माण हुआ उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अब पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टानों के बीच में दबा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए कुआं खोदना पड़ता है, कुओं में पंप लगाना पड़ता है। उन पंप के द्वारा, क्योंकि वो जो पेट्रोल है वो चट्टानों के भीतर है ना, कुआं खोद कर पंप के द्वारा उसे निकाला जाता है। अब उसको जब निकाला जाता है तो वो एज इट इज, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं तुरंत पी लेते हैं, परंतु जब पेट्रोल को हम निकालते हैं तो हम उसको तुरंत यूज नहीं कर सकते, उसको रिफाइंड किया जाता है। जैसे अपने घर के तेल को रिफाइंड करके बोलते हैं ना, रिफाइंड यानी राइस ब्रांड, रिफाइंड जो भी सूर्यमुखी का तेल, तो उसी तरह पेट्रोल को भी रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड करने के जो हमारा जो पेट्रोल प्राप्त होता है उसके साथ साथ, पहले तो पेट्रोल निकला उसमें, उसको उसके बाद में उससे जो हल्का प्रोडक्ट है वो डीजल, उससे जो कम वो है केरोसिन। इस तरह से जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का रिफाइंड प्रोडक्ट है वो पेट्रोल है, उससे कम डीजल, उससे नीचे केरोसिन। और उसकी इसी पेट्रोल के वो में हमें गैस भी प्राप्त होती है। पेट्रोलियम के कुएं में जो गैस प्राप्त होती है, यानी वो प्राकृतिक हुई, प्राकृतिक गैस भी प्राप्त हुई, उसका नाम है मीथेन। वो जल करके हमें ऊष्मा प्रदान करती है, जब उसको संपीड़ित यानी कि ठंडा करके उसको यानी कि वाहन चलाने में प्रयोग में लाया जाता है। यानी पेट्रोल के कुएं से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, पेट्रोल तो हो ही रहा, पेट्रोल के साथ डीजल, डीजल के साथ केरोसिन, और केरोसिन उससे भी प्रोडक्ट है ग्रीस वगैरह जो हम लोग लगाते हैं नट बोल्ट वगैरह में। परंतु इसी कुएं में जो गैस प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। और उसे ठंडी करके, संपीड़ित करके वाहन चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम CNG के नाम से, कई वाहनों पर लिखा रहता है CNG, यानी कि इसके द्वारा उससे, अब इससे क्या होता है, इसके CNG के प्रयोग से प्रदूषण कम होता है, न्यूनतम प्रदूषण होता है, पर एकदम न्यूनतम प्रदूषण होता है। अब एक और गैस है जिसको हम लोग अपने घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसको हम कहते हैं LPG। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
जिसमें क्या होता है ब्यूटेन मुख्य रूप से, पर साथ में थोड़ी सी प्रोपेन और इथेन भी उसमें मिलाया जाता है, और ये सभी हाइड्रोकार्बन गैसें हैं। और इसको जब हम लोग सिलेंडरों में भरते हैं तो इसको द्रवित रूप में, यानी कि आप जब आपने देखा भी होगा कि सिलेंडर के ऊपर में वो लिखा रहता है कि इतने ग्राम, यानी इतना, यानी कि वो लिक्विड में भरी जाती है सिलेंडरों में, वजन होता है इसी कारण इसमें। इसके में एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, कि जो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है LPG, ये गंधहीन है, इसमें सुगंध नहीं होती। पर आपने ये बात नोट किया होगा कि जब भी कभी हमारे गैस का जो नॉब है वो खुला रह जाता है तो आप पूरा घर में महक आ जाती है, वो महक को डाला जाता है, क्योंकि जो ये जो ब्यूटेन प्रोपेन और इथेन का मिक्सचर है वो गंधहीन है। अगर वो हमारे से गैस अगर मान लो खुली रहेगी तो हमें पता नहीं चलेगा, और जैसे ही हमने माचिस लगाए आग लग जाएगी। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध डाला जाता है, और वो गंध नाक को झुंझुना देने वाली डाली जाती है। इससे क्या होता है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि कहीं हमारे गैस का नॉब खुला रह गया या हमारा रेगुलेटर लीकेज कर रहा है। तो दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध डाली जाती है, अन्यथा प्रोपेन इथेन और ब्यूटेन में गंध नहीं है, ये जो गैसें हैं वो गंधहीन गैस है। अब हम आगे चलते हैं जीवाश्म ईंधन एक और गैस के बारे में, गोबर गैस, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। बच्चों गाँव में तो अधिकतर लोग छेना, यानी जिसको अपन शुद्ध भाषा में बोलते हैं उपले, जला करके खाना वाना बनाते ही है ना, लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। परंतु बहुत से क्षेत्र में क्या करते हैं, गोबर से गैसीय ईंधन भी तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, आप चित्र में देख रहे होंगे ऊपर में जो डोम है ना, नीचे ये सारी जो प्रक्रिया है वो आजू बाजू में चल रही है। क्या होता है, सबसे पहले गड्ढे में ना गोबर को डाला जाता है, और गोबर में उसके बाद में उसमें पानी भी डाला जाता है ना। गोबर को पानी में घोलकर उसको एक गड्ढे में बंद कर दिया जाता है, वहां पर वायु की अनुपस्थिति में, यानी उसे पूरी तरह बंद कर दिया जा रहा है ना, वायु की इस मिक्सचर को वायु की अनुपस्थिति में अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उसके अंदर बनती है। और ये जो गैसों का जो मिश्रण है वो किससे तैयार होता है, वनस्पति और मृत जीव जंतुओं के सड़ने से प्राप्त होती है। यानी जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है वो किससे बन रही है, वनस्पति और मृत जीव जंतुओं के सड़ने से। तो गैसों के इस मिश्रण को क्या करते हैं, कहलाता है बायोगैस कहते हैं। क्या होता है, प्राप्त गैस के, यानी जो हमें गैस मिल रही है उसको गड्ढे से ऊपर पाइप के द्वारा डोम में पहुंचाया जाता है, और फिर उसको प्रयोग के लिए पाइपलाइन के द्वारा जहां पर उसका प्रयोग करना है वहां पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से गाँव में गोबर गैस तैयार की जाती है, जिसका उपयोग खाना बनाने वगैरह में किया जाता है। अब बायोगैस के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, LPG की तरह भोजन पकाने में, यानी जिस तरह से हम वो जो ब्यूटेन प्रोपेन और इथेन का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर हमने गोबर से इस गैस को तैयार की, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, भोजन पकाने में। दूसरा, इससे बिजली भी बनती है, यानी प्रकाश उत्पन्न करने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमें ये जो खाना पकाने के लिए गैस मिली, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो विद्युत मिली, इसके बाद में जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो अपशिष्ट है, उसका प्रयोग हम खाद के रूप में भी कर सकते हैं। और चौथा, इसका सबसे अच्छा है कि ये वायु, यानी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। यानी बायोगैस, यानी जहाँ जहाँ पर इसका प्रयोग हो सकता है गाँव में, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। यानी गोबर से गैस निर्माण करके इन सारी चीजों को हमें प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, सौर ऊर्जा, नहीं इसके पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों कि नवीकरणीय इन्हें ऊर्जा का स्रोत, वो ऊर्जा के स्रोत है जिनका हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कभी भी खत्म न होने वाले ऊर्जा के स्रोत। इसका उदाहरण है जैसे पानी, पानी हमारे पृथ्वी में रहेगा ही, हवा, हवा बहेगी, और सूर्य का प्रकाश हमें सदा प्राप्त होते रहे, तो इससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं नवीकरणीय, यानी जो ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, ये पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और इनके प्रयोग से हमारे पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचती। और अनवीकरणीय स्रोत वो है ऐसे ऊर्जा के स्रोत
जिनका प्रयोग हम एक बार ही कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि पेट्रोल, हम हर दिन पेट्रोल भराते हैं ना, 1 लीटर भराया, 2 लीटर भराया, कुछ दूर गए हम, दूसरे दिन हमको कहीं जाना, सबसे पहले हम पेट्रोल देखते हैं कि खत्म तो नहीं। उस पेट्रोल को जो खत्म हो गया उसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह कोयला, कोयला अगर एक बार जल गया तो हमें राखड़ ही मिलेगी, कोयला फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। डीजल भी उसी तरह है। तो जो ऊर्जा के स्रोत हमें एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। और ये पृथ्वी में कम मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि ये तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे कोयला तेजी से समाप्त होते जा रहा है, पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसीलिए क्योंकि वो खत्म होने के कगार पे है। इसलिए नित नवीन वैज्ञानिक खोजें होती जा रही है, इसके द्वारा उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और इनके प्रयोगों के द्वारा, इन्हें इनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, इन्हें पर्यावरण को हानि पहुंचती है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से इतनी ज्यादा यानी पर्यावरण परेशान नहीं है, परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पेट्रोल कोयले, इनके जलने से हमारा पर्यावरण में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, प्रदूषित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त तो ऊर्जा में किसी वस्तु को ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता होती है, होती ही है ना बच्चों। हम थोड़ी देर धूप में खड़े होते हैं, हमें गर्मी लगने लग जाती है, ठंड के दिन में वही गर्मी हमें अच्छी लगती है, गर्मी के दिन में वही गर्मी हमें पंखे की याद दिलाती है। तो सूर्य की यह ऊर्जा जो प्रकाश और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, हम उन्हें सौर ऊर्जा कहते हैं। बच्चों काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस बात को हम देखते हैं बच्चों की गर्मी के दिनों में सभी सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। और वही ठंडी के दिनों में अगर हम लोग कभी गर्मी के दिनों में कोई हमें काला कपड़ा देगा तो हम पहनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें उसमें और ज्यादा गर्मी लगती है। इसका कारण यह है कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसी तथ्य का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का हम लोग सोलर कुकर में प्रयोग किए करते हैं, सौर जल ऊष्मक में, सौर सेल में और सौर बैटरी। तो बच्चों क्यों, क्या होता है, जो सोलर कुकर होता है उसमें जो बर्तन होते हैं, आप चित्र में देख रहे होंगे वहाँ बर्तन दिखा रहे, उन बर्तनों को क्या किया जाता है, उनकी जो बाहरी दीवारें होती हैं उसे काले रंग से रंग दिया जाता है, और वहाँ पर अंदर में ना एक तो कांच लगा दिया जाता है। उस कांच पे ऊष्मा यानी ऊर्जा पड़ती, इन्हें सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो सीधा उस डब्बों पर पड़ता है, और काली सतह होने के कारण, काला पैंट लगा होने के कारण वो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है और अंदर में बना हुआ भोजन क्या करता है, पकने लगता है। इसमें बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में, पर इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा, आजकल सौर जल ऊष्मक, पानी गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए छतों पर इस तरह का लगाया जाता है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक बॉक्स में तांबे की लंबी लंबी आपको दिख रही होगी नलियां लगी हुई, इन नलियों को काली सतह से काले रंग से रंग दिया जाता है और इनमें पानी भरा हुआ होता है। अब क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है और अंदर में रखा हुआ पानी गर्म होने लगता है, तो पानी गर्म करने के लिए भी सौर जल ऊष्मक का प्रयोग किया जा सकता है। सौर सेल, सौर सेल में क्या होता है, अंदर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और उसी तरह से सौर बैटरी का भी प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट वगैरह में इसी तरह का, जहाँ पर यानी कि कांच लगाकर ऊष्मा को अपने ओर अवशोषित करके अंदर में बैटरी को चार्ज करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे नए रायपुर में इस तरह का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है कि सूर्य की ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करके रात के समय लाइट जलाने के लिए, तो यह भी एक बहुत अच्छा हुआ है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, आप विचार कीजिए। तो सबसे पहले एक है प्रकाश संश्लेषण। अगर सूर्य, आप अपने इंग्लिश में एक पोयम पढ़े हैं, द सन गोज ऑन हॉलीडे, सूर्य एक दिन छुट्टी पर चले गया, उस पार्ट में बहुत अच्छा बताया गया था कि जब सूर्य छुट्टी पर एक दिन की छुट्टी लेने की सोच लिया और वो उगा ही नहीं, तब क्या हुआ, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकली, है ना, क्या हुआ, पौधा मुरझा गया और
घरों में बच्चे बाहर खेलने नहीं गए, गिलहरी भी अपने बिल में आ गई, इस तरह का हुआ था। तो कुछ उसी तरह का होता है कि अगर सूर्य नहीं हुआ तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे मेन रोल होता है सूर्य का, कि सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और धरती से लवण लेकर के पत्तियां पौधों के लिए भोजन निर्माण करती है। जल चक्र दूसरा है, जल चक्र। जल चक्र में भी यही होता है कि वर्षा होती है, वर्षा का पानी जमीन को गीली करता है। अब जब सूर्य गीली जमीन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो भाप बनकर ऊपर जाता है, भाप बनकर के ऊपर जाता है और फिर वहां पर उसको जैसे ही ठंडा मिलती है फिर वो वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है। यानी जल चक्र में भी जो मेन रोल है वो किसका, सूर्य। प्रकाश संश्लेषण में भी जो मेन रोल है वो किसका, सूर्य। उसी तरह तीसरा है पवन यानी हवा। तो सूर्य ऊर्जा पृथ्वी के स्तर यानी सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से गर्म करती है। इसके कारण वातावरण क्या होता है, कहीं गर्म होता है कहीं अधिक गर्म होता है और जो वायु है वो समनीय धाराएं उत्पन्न करती है। और इस तरह से पवन ऊर्जा का स्रोत भी क्या हुआ, सूर्य। अब है चौथा, पेट्रोलियम द्रव कोयले पेड़ पौधे जीवों के अवशेष जो कि सूर्य की ऊर्जा का ही एक बदला हुआ रूप है। तो इन चारों से हमको ये पता चलता है कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी सूर्य नहीं तो ये सारी चीजें भी कार्य नहीं करेंगी। तो इस प्रकार सूर्य ही हमारे हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब हम आगे आते हैं बच्चों कि हमने ऊर्जा का यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा भी पढ़ ली और अनवीकरणीय ऊर्जा भी पढ़ ली, पर हम इन ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग में सावधानी क्यों करते हैं। टीवी और समाचार पत्रों में हमें रोज एक अपील की जाती है कि तेल बचाएं, तेल की एक एक बूंद कीमती है, वाहनों की नियमित जांच कराएं। नियमित जांच कराने का उद्देश्य यही है कि वो अधिक धुआं छोड़ते हैं जिससे कि प्रदूषण होता है। बिजली की बचत करें, उसके लिए कहते हैं कि जहाँ पर आप ना हो, जिस रूम में आपका कोई कार्य ना हो वहाँ के पंखे बिजली बंद कर दें या रूम छोड़ते वक्त पंखे और बिजली बंद कर दें। बर्तनों का को ढक कर खाना पकाएं, है ना, कि उससे भी कम ऊर्जा लगती है, कम गैस का खर्च होता है। प्रेशर कुकर का प्रयोग करें यानी कम ऊर्जा में खाना जल्दी बनता है। और वाहनों के पहियों में हवा का दबाव सही रखें। इन छहों बातों का पूरा पूरा कहने का अर्थ यही है कि इससे ऊर्जा की बचत होगी। बोलते हैं ना, ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का निर्माण है, है ना। अगर हम बचत भी कर लिए तो इस तरह से हमारे तरफ से यानी हमारे पैसे भी कम लगेंगे और हमारे घरों की गैस भी अधिक चलेगी, है ना। वाहनों में हवा अधिक होगा तो पेट्रोल अधिक चलेगा, प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो गैस अधिक दिन चलेगी, है ना। बिजली की बचत करेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा, है ना। तो ये इससे हमारा भी फायदा, यानी कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का निर्माण है। अब ये करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ऊर्जा की बचत करने के लिए क्यों कर रहे हैं, तो इसका यही है कि घरों में, सड़कों पर, परिवहन में, कृषि कार्यों में, उद्योगों में ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है ना। हमारे घरों में पहले हम दो कमरे में रहते थे तो दो कमरे में लाइट चलती थी, आजकल हमारे घर यानी कि घरों में कमरे की संख्या अधिक बढ़ गई है, हर कमरे में एसी, हर कमरे में पंखा। तो क्या होता है, घरों में यानी कि घरों में भी ऊर्जा की खपत बढ़ गई, सड़कों पर हर जगह पहले यानी कि हर जगह लाइट लगाने की यानी जरूरी है दुर्घटना से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए हर सड़कों पर लाइटें लग रही हैं। परिवहन में यानी एक व्यक्ति जा रहा है, एक वाहन का प्रयोग कर रहा है, एक व्यक्ति को भी जाना है तो वो चार पहिए का वाहन यूज कर रहा है, तो परिवहन में भी यानी पेट्रोलों का खर्चा भी बढ़ गया। कृषि कार्य तो आवश्यक ही है, वहां पर भी यानी कि पहले व्यक्ति कुएं से पानी खींच करके सिंचाई करता था, आजकल क्या करता है, पंपों के माध्यम से सिंचाई कर रहा है, तो वो तो आवश्यक ही है ना। उद्योग धंधों का बढ़त हो रहा है, उद्योगों की यानी संख्याएं बढ़ रही है, वहां पर भी बिजली का खपत बढ़ रही है, इसलिए भी हमें ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतना है, कम यानी कम। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा भी हमारी ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए कम पड़ रही है, यानी निर्माण अधिक हो रहा है, जल से भी विद्युत का निर्माण हो रहा है, ज्वारी ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है, तापी ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है, पवन ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है, पर इन सब का निर्माण होने के बावजूद भी हमें
गर्मी के दिनों में कटौती का सामना करना ही पड़ता है क्योंकि हमारी आवश्यकता अधिक है और उत्पादन कम है। तो इसलिए भी जहाँ भी हम इन सब चीजों की बचत कर सकते हैं वहां हमें इन्हें बचाना चाहिए। तो बच्चों आज हमने स्मार्ट में क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। तेज बहती हवा से, मैंने जैसा पवन चक्की को चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पवन विद्युत। कोयला तथा पेट्रोलियम बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है, इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से पंपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, इससे हमें विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। रसोई गैस में ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जो कि सौर ऊर्जा कहलाती है। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसी तथ्य पर आधारित उपकरण सोलर कुकर और सौर जल ऊष्मक है। गोबर वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं अर्थात जैविक अपशिष्टों के सड़ने से जो गैसीय ईंधन, ठोस द्रव तथा गैसीय ईंधन तैयार होता है उसे हम गोबर गैस कहते हैं। ईंधन ठोस द्रव तथा गैसीय रूप में पाए जाते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे स्रोत अनवीकरणीय तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जैव ऊर्जा के तौर पे बायोडीजल अच्छा स्रोत है। ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, हमें ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना चाहिए। बच्चों कक्षा कार्य पर आते हैं जिसमें एक प्रश्न पूछे गए हैं, अनवीकरणीय स्रोत का कोई एक उदाहरण दो। अनवीकरणीय स्रोत यानी जिसका हम लोग पुनर्उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसा है कोयला, पेट्रोल। भारी वाहन जैसे कि बस, ट्रक में प्रयुक्त ईंधन का नाम बताओ। इसमें डीजल ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कोई कोई जो वाहन है उसमें पेट्रोल का प्रयोग भी करते हैं। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक किसके बने होते हैं, तो सौर सेल के जो ऊर्जा परिवर्तक सिलिकॉन के बने होते हैं। बैटरी में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नवीकरणीय स्रोत का कोई एक उदाहरण दो। नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है जल, पवन, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घरों में मुख्यतः एलपीजी ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। सोलर कुकर उसमें ऊर्जा पर आधारित है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में बायोगैस तैयार की जाती है। घरों में उपयोग आने वाला द्रव ईंधन है ब्यूटेन। अब उचित संबंध जोड़िए, जोड़ी मिलाइए। सीएनजी प्राकृतिक गैस। समुद्र, ज्वारीय, समुद्र से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा। सोलर कुकर सौर ऊर्जा। विंड फार्म पवन ऊर्जा। और बांध से हमें कौन सी ऊर्जा निर्माण करते हैं, विद्युत ऊर्जा निर्माण करते हैं। बच्चों अब गृह कार्य की ओर आते हैं। आपको आज के पाठ के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा के क्या लाभ है, दैनिक जीवन में से कोई उपयोग का उदाहरण दीजिए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के नाम लिखिए। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। तो बच्चों ऊर्जा के विभिन्न रूप आप देखिए, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, है ना। और सौर ऊर्जा से क्या लाभ है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है, इसके उपयोग है सोलर कुकर, है ना, और सौर जल ऊष्मा। और पेट्रोलियम से हमें जब पेट्रोल का रिफाइंड किया जाता है तो पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, ग्रीस मिलता है ना। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन, ईथेन और प्रोपेन गैस होती है। नाभिकीय ऊर्जा यानी कि जो परमाणु है उसके मध्य को, यानी कि उसके जो नाभिक को जब तोड़ा जाता है तो बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है,
तो इस तरह से जो ऊर्जा निर्माण होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय यानी जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पानी के जल के द्वारा, है ना, और किसके द्वारा, हवा के द्वारा, सौर ऊर्जा, ये तीनों कभी भी ना खत्म होने वाले स्टोर्स है। और अनवीकरणीय है कोयला, पेट्रोल, ये एक बार जब यूज में हो जाते हैं तो ये फिर से हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी ऊर्जा को हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। बच्चों एक जो बात अभी हमने पढ़ा था कि हमने सीखा में सर हमने सीखा नहीं है बोले हम सबको इस तरह से आज ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। एक तो आगे बता दीजिए रतन चौधरी।